जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हिंदू मुसलमान जिनकी भी संपत्ति का उनको भरपाई हो। 2024 के चुनाव को देखते फिर रामनवमी है, फिर ये लोग वही काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जनता सचेत है, जान बूझ के ये घटना इसलिए किया गया कि आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री में वोट कन्वर्ट हो सके, 50,000 से ऊपर थी। और दूसरी बात कि वो लोग तलवार के साथ थे, डीजे के साथ थे, डीजे पर ऐसे ऐसे गाने बजे थे जो लोग को उत्तेजित कर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जो घटना हुआ है उसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन के लोग करवाए हैं और महागठबंधन का कहना है कि बीजेपी के लोग करवाए हैं। पर अब इसमें कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कमेटी बनाया गया था और दो अलग अलग कमेटी दो जगहों पर भेजा गया था, एक सासाराम और एक नालंदा। देखिए, कमेटी का जाँच करने के बाद जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने आज कहा कि जरूर पुलिस की कमी थी और हर बार जो रामनवमी का शोभा यात्रा निकाला जाता उसमें इतने लोग नहीं होते हैं, पर इस बार 50,000 से भी ज़्यादा लोग थे और पुलिस की तैनाती कम थी। इसको लेकर जो जांच करके आए हैं उनका कहना है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रिपोर्ट देंगे। क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। दो रूप में हम लोग चुकी दंगा पूरे बिहार में नहीं हुआ था, सिर्फ दो ही जगह हुआ था। रामनवमी तो पूरे बिहार में मनाई गई, धूमधाम से मनाई जाती है, हर बार मनाई जाती है, हम लोग भी मनाते हैं, मैं भी ध्वजा गाड़ता हूँ। लेकिन जो सोचने की बात है कि सिर्फ दो ही जगह घटना घटती है, एक सासाराम में, दूसरा बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ हिसुआ से 25 किलोमीटर, जहां आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों जगह कार्यक्रम उनका फिक्स है, वहीं दोनों जगह धर्म के नाम पर राजनीति होती है और इस तरह के दंगे तो सब नहीं कहेंगे, आपसी भाईचारा खत्म करने के लिए और उत्तेजित करके आपस में लड़ाने का काम किया है। यह सोचने का विषय है, क्या पूरे बिहार में रामनवमी नहीं मनाएंगे? भागलपुर एक सेंसिटिव जगह है, सब लोग जानते हैं, वहां कुछ भी नहीं हुआ। जहां आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह आए, निश्चित तौर पर मेरा मानना है वहां की जनता से जो बात हुई, कांग्रेस लोगों से बात हुई, निश्चित तौर पर ये दोनों जगह चुना गया जहां गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले, ताकि धर्म के नाम पर बात के वो रोटी से जाए। निश्चित तौर पर हम लोगों ने सबों से बात की है और जो पदाधिकारियों से बात हुई, चाहे वो जिलाधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, उनको उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मात्र 5,000 के आसपास रामनवमी जुलूसों में लोगों की संख्या थी। इस बार उन लोगों ने अंदेशा था कि 10,000 हो सकता हो जाए, लेकिन भीड़ 50,000 से ऊपर थी। और दूसरी बात कि वो लोग तलवार के साथ थे, डीजे के साथ थे, डीजे पर ऐसे ऐसे गाने बजे थे जो लोग को उत्तेजित कर रहा था जुलूस में। मैं आपको बताऊं, बिहार शरीफ में हिंदू और मुसलमान भाई बहुत आपसे प्रेम है, पूरे बिहार अपने देश में है लेकिन वहां है, और वहां पर जो लड़के लाए गए वो 12 साल से 16 साल के युवक को लाए गए और वो सब बाहरी थे, वहां के लोगों ने बताया। जान बूझ के ये घटना इसलिए किया गया कि आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री में वोट कन्वर्ट हो सके, बांट के राजनीति हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने सभी देखा है और वहां पर क्या हुआ, हिंदू मुसलमान सबों का नुकसान हुआ है, जो उसके प्रॉपर्टीज है, दुकानें हैं, उसको नुकसान किया गया। हम तो पूरा तैयार किए हुए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी देंगे और उसे आग्रह करेंगे, दो चीज बातों को, उसकी प्रशासन का कहीं ना कहीं पुलिस की संख्या बल में निश्चित तौर पर कमी थी, उस पर ध्यान दें, जो निर्दोष लोग फंसे हुए जो गिरफ्तार हुए उनको छोड़ा जाए, जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आपको साथ में यह भी बताया, जो भी विधायक यहाँ मौजूद हैं, सबका दायित्व बनता है जनता जिस क्षेत्र से जिता के भेजी है वहाँ शांति व्यवस्था कायम करना, वहाँ भाईचारा निभाना और सब शांति से काम होना। लेकिन क्या है कि वहाँ के विधायक क्या कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने ये बात को उठाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उनका रोल क्या रहा। ऐसे उनकी मुलाकात उनसे नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपसे आग्रह कर, वहाँ पर मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो भी नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई हिंदू मुसलमान जिनकी भी संपत्ति हो उनको भरपाई हो, उनको मिले। और दूसरा, जो भी निर्दोष व्यक्ति पकड़े गए हैं उनको छोड़िए, और जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यह नहीं चल रहा है कि धर्म को बांट के कांग्रेस का विचार धारा है, सिद्धांत है। हम लोग सभी जाति समुदाय के लोगों को लेके, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों को लेके हम लोगों ने किया है, चाहे भारतवर्ष को आजाद करने से लेके हो या आज तक। ये जब सरकार में थे भारतीय जनता पार्टी बिहार में, तब कोई कहीं कोई रामनवमी में इस तरह की हरकत नहीं होती थी। क्या हुआ जो 6-7 महीना सैटने के बाद पहला रामनवमी में आपने वो दो जगह जहाँ जहाँ पे गृह मंत्री आ रहे हैं वहां पर आप लोगों ने इस तरह उत्तेजित करके लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए हम आग्रह करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि जनता वहाँ की बहुत शांत है, और अपील करता हूँ वो शांति बनाए रखे और भाईचारा निभाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अभी क्या फिर 2024 के चुनाव को देखते फिर रामनवमी है, फिर ये लोग वही काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें जनता सचेत है, जैसा अभी कपूर साहब ने कहा वो घबराई हुई है कि सरकार सत्ता में 2024 में नहीं आएगी, इस तरह की हरकत करेगी, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से जांच कराए, करे जिसे जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो निर्दोष हो उनको बिल्कुल नहीं दिया जाए, लेकिन मुआवजा मिलना चाहिए या कि खाना पूर्ति हो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं वहां के लोगों की। ये जान बूझ के धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांट के राज करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका हम लोग जोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। तो अभी आप कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की कमी थी, पर उनका यह भी कहना है कि बीजेपी और जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, वो बिहार दौरे पे थे, और जहां जहां उनका कार्यक्रम था वहां पे ही ये घटना क्यों घटा। उनका साफ तौर पर इशारा है कि बीजेपी के लोग ये कार्यक्रम, ये घटना को अंजाम दिलवाए हैं, और वो बांटकर यानी हिंदू मुस्लिम को बांटकर राजनीति करें। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके पहले भी रामनवमी आएगा, और उस समय भी इस तरीका का घटना हो सकता है, इसीलिए सभी को सावधान रहना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हिंदू मुसलमान जिनकी भी संपत्ति हो उनको भरपाई हो, 2024 के चुनाव को देखते फिर रामनवमी है, फिर ये लोग वही काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें जनता सचेत है, जान बूझ के ये घटना इसलिए किया गया कि आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री में वोट कन्वर्ट हो सके।